मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में हुई चौकीदार की हत्या का खुलासा किया। बीते 15 सितंबर की रात को किशोरी लाल, जो कि एक माछी पालन तालाब पर चौकीदारी करता था, आरोपी युवक ने उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई थी। पुलिस ने हत्या आरोपी अंकित कुमार को गिरफ्तार कर चौकीदार की हत्या का खुलासा किया और हत्या में प्रयुक्त चाकू व मोबाइल भी बरामद किया गया। तालाब पर सो रहे चौकीदार की हत्या की ये घटना बीते 15 सितंबर की है। पुलिस के मुताबिक हत्यारोपी अंकित के पिता ओम प्रकाश ने अपनी जमीन किशोरी लाल और अशोक कार्तिक के कहने पर एवं नशे में पैसे की जरूरतों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे बेच दी थी। यह बात अंकित को बुरी लगी और वह अपने पिता से झगड़ा करने लगा। अंकित को यह एहसास होने लगा कि हमारी जमीन किशोरी लाल और अशोक कातिब ने बिकवाई है। इसी का बदला लेने के लिए उसने हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दे दिया। आपको बताते चले कि आरोपी अंकित नशे की आदी हैं, इसी कारण उसने चौकीदार किशोरी लाल की हत्या को अंजाम दिया। इस घटना के बाद आरोपी दो अन्य लोगों की भी हत्या की साजिश रच रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात उदय शंकर सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि ये युवक घटना वाले दिन से पुलिस के संपर्क में था और लगातार थाने के चक्कर लगा रहा था, जिससे उस पर किसी को शक न हो। आरोपी युवक को उसके पिता ने गोद लिया था, जिसके बाद वह गलत संगत में पड़ गया। क्या बोल रही? एक काम करिए, कुर्सी इधर को कर दो, खाली कर दो भैया, नंबर बड़ा आ गया, एक मिनट रुको। नंबर हो जाए भाई, सब बता दें, एक मिनट दो। जी सर, कब हत्या हुई है कैसे बना? एक कैसे मारे थे? रात को 9 बजे निकला था अपने घर से। 9 बजे निकलने के बाद मैं डैल पर गया, मैं भी सुलभे की नशे में था और किशोरी ताऊ लेटे हुए थे अपने खाट पे। मैंने किशोरी ताऊ से पूछा मेरे पापा जी कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया तुम्हारे पापा जी गए। तो फिर साहब को गाली गलौज करने लगे मेरे से, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। उनके सिराने चाकू रखा था, मैंने चाकू उठा कर उनको। ठीक है, ओके। अंकित कुमार, अंकित ये हत्या कैसे करी थी आपने? नशे में धुत था सामने। नशे में धुत था जी? क्यों मारा फिर तुमने? जब तुझे पाला इसी ने, इसी ने लिया गोद तुझे? नहीं। क्या है इसकी कहानी बता जा? ये खुद ही 70 बीघे जमीन की ये देश बिकवा दी साहब। इन्होंने दोनों ने दारू वारू पिया, अशोक बाबू जी ने और किशोरी लाल ने बिकवाया। मेरे पिताजी खेती तो और मकान भी बिकवाने के चक्कर में थे, तो सर मेरी मम्मी और मैं कहाँ जाते, तो इस चक्कर में मैंने ये कदम उठाया। कैसे मारा था? चाकू से मारा था। मारने के बाद फिर कहाँ गए? घर जी। और इसके बाद क्या करने वाले थे फिर? और किसी को मर्डर? अशोक का कैसे बताओ पूरी बात? मेरा दूसरा टारगेट अशोक बाबू जी का था, तो मैं वो काम कर नहीं पाया। अच्छा, बाबा वाला? फिर मेरे बाबा से लड़ाई हुई, शमशानी बाबा को भी मैंने डंडे से मारा, क्योंकि शमशानी बाबा ने मेरे घर पर आकर के साहब गाली वाली बजी, और मैंने उसको खाने को देता था, पीने को भी देता था, लेकिन मेरे घर पर आकर कहता था बोले खाने के लिए मुझे पैसा दो। अब गाली बकता था मोहल्ले में, तो इसलिए मुझसे बर्दाश्त की हुई। मैंने शमशानी बाबा को भी मारा। वो कौन सा टारगेट था? तीसरा टारगेट था साहब। दो नहीं, वो टारगेट एक पूरा हो गया, 3 टारगेट थे, उसमें 2 मर्डर नहीं हो पाए। एक सर, एक हत्या का खुलासा आज हुआ है, क्या है पूरा मामला, कैसे हत्या? बीते दिनांक 15 सितंबर को
रात्रि के समय थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र के अंतर्गत रमनावाला गांव की सीमा के तहत एक तालाब के किनारे चौकीदारी कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त हत्या अज्ञात में कायम हुआ पुलिस के लिए कड़ी चुनौती थी, इसके कोई लिंक नहीं मिल पा रहे थे और उक्त हत्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए इसमें थाना पुलिस टीम ने इस घटना का अनावरण किया है। अंकित नामक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्ल था वह भी बरामद किया गया है। हत्या की प्रमुख वजह अभियुक्त के पिता की जमीन का बेचा जाना, मृतक और अभियुक्त के पिता का एक दूसरे का दोस्त होना और अभियुक्त के पिता से बात करके उसकी जमीन को समय समय पर बिकवाता रहा है, जो हत्या का प्रमुख कारण बना। सर इसमें ये भी माना जा रहा है कि ये दो हत्याएं और कारित करने वाला था, उससे पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया, क्या है सर? ये नशे का आदि है, सुल्फा इत्यादि पीता है। इसमें जो इसकी जमीन इसके पिता ने बेची है या बैनामा की है, वह जमीन के कागजात लिखने का कार्य अशोक कातिब नाम के एक व्यक्ति हैं जो नोटरी का भी काम करते हैं और उन्हीं के द्वारा ये लिखा पढ़ी की जाती रही। तो इसने उनको भी उसकी जमीन बिकवाने में एक प्रमुख भूमिका होना माना है, इस कारण उनकी भी हत्या की योजना ये बना रहा था। इसके अतिरिक्त उसी क्षेत्र में एक बाबा रहते हैं जिनके यहाँ ये सुल्फा पीने के लिए जाया करता था और वो मना कर दिया करते थे, जिसके कारण उनसे भी ये रंजिश रखने लगा और पुलिस की पूछताछ में इसने बताया कि भविष्य में उनको भी मारने की योजना इसके दिमाग में चल रही थी। कितना पढ़ा लिखा है सर, क्या आपराधिक रिकॉर्ड है और क्या क्वालिफिकेशन? इसका आपराधिक इतिहास नहीं है, ये गलत लोगों की सोहबत में पड़ गया और चूंकि ये एक एडॉप्टेड पुत्र के रूप में लिया गया था जो इसके पिता हैं, इसको कहीं से ले आए थे और इसको अपने दत्तक पुत्र के रूप में रखा हुआ था, लाड़ प्याड़ में यह बिगड़ गया रास्ते से और इसके दिमाग में आपराधिक मानसिकता पैदा हुई। सर ये LLB कर रहे हैं, कर चुके हैं? ये अभी कर रहे हैं, LLB का कोर्स कर रहा है।